Assalamualaikum dear friends, welcome back. In this lecture we discussed about the biosafety cabinet and we also have studied types and its parts. So in this lecture we are going to discuss about the remaining types of the biosafety cabinets. This lecture is a continuation of the previous lecture. तो फिर पिछले लेक्चर में हमने प्लेटफॉर्म टाइप तक पढ़ा था कि भाई सभी करने पे हमने क्लासेस पढ़े थे ठीक है टाइप क्लासेस क्लास वन और फिर क्लास टू और फिर क्लास टू ए वन ए टू और फिर क्लास टू बी और बी वन बी टू और इस तरह क्लास थ्री हमने पढ़ा था ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास टू से। क्लास टू का सेफ्टी कैबिनेट्स किस तरह होते हैं, किस तरह काम करते हैं। It provides personal protection, personal protection, environment and product protection. ठीक है, ये कह सकती है सबसे बेस्ट कैबिनेट का चीज है। ये पर्सनल को भी प्रोटेक्ट करती है, इन्वायरमेंट एंड प्रोडक्ट प्रोटेक्शन तीनों करती है। ठीक है, जो बंदा काम कर रहा होता है ठीक है उसको भी प्रोटेक्ट करती है और इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करती है। जिस चाहे वो जितना भी डेंजरस वायरस हो ठीक है, डेंजरस ऑर्गेनिज्म हो, डेंजरस कोई सब्सटेंस हो ठीक है, उससे क्या करती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है और उसको बायोसेफ्टी कैबिनेट से आउटसाइड द एनवायरनमेंट जाने नहीं देती ठीक है। और इस तरह प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है ठीक है, उसको कंटेमिनेशन से बचाती है और उसको जिससे हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है ठीक है। सो widely used in clinical hospital livestock and research and pharmaceutical laboratories ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली यूज होती है और बहुत ही ज्यादा यूज होती है लाइफ में ठीक है, रिसर्च करने हॉस्पिटल एक्सेट्रा में। इट हैव थ्री मेन फीचर्स, अ फ्रंट ओपनिंग विद केयरफुल मेंटेन इनवर्ड फ्लो ठीक है, इसकी एक फ्रंट ओपनिंग होती है ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसमें हवा जो होती है वो उस ओपनिंग ओपनिंग के थ्रू इनसाइड द कैबिनेट जाती है ठीक है। दिस फिल्टर यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो इनसाइड द वर्क एरिया ठीक है। तो क्या होता है इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन होती है ठीक है, और इसके जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है ठीक है उसी फ्लो के रास्ते में ठीक है उसके बीच बीच में हीपा फिल्टर लगे होते हैं ठीक है, और वो किसी यूनिडायरेक्शनल जो एयर सर्कुलेशन होगी उसी को फिल्टर करेगा और सर्कुलेट करेगा, फिल्टर करेगा और सर्कुलेट करेगा ठीक है। तो ये इस तरह साइकिल्स चलते रहते हैं हवा के ठीक है। हीपा फिल्टर एग्जॉस्ट एयर द रूम और एग्जॉस्ट एयर टू योर फैसिलिटी एग्जॉस्ट सिस्टम ठीक है। हीपा फिल्टर क्या करेगी, या तो ये रूम फिल्टर्ड हवा होगी या वो रूम में एग्जॉस्ट करेगी या वो आउटसाइड द रूम एक टिंबल कनेक्शन, टिंबल कनेक्शन क्या होती है जो जिस तरह कमरे में हम वो लगाते थे ना क्या कहते होते हैं जो चादर से बनी होती थी और उसके अंदर हम लकड़ियाँ डाल के उसके अंदर आग लगी होती थी ठीक है, और उसका एक कनेक्शन होता था जो कि गुजर के उसकी जो आलू थी होती थी वो ऊपर कमरे के ऊपर जाती थी। तो इस तरह का एक कनेक्शन होता है ठीक है, एग्जॉस्ट के साथ कनेक्टेड होता है ठीक है, और जो बायोसेफ्टी कैबिनेट में जो कंटामिनेटेड एयर होगी ठीक है उसको फिल्टर करके आउटसाइड एनवायरनमेंट उस कनेक्शन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेगी ठीक है। अब क्लास टू बायोसेफ्टी कैबिनेट से फिर फर्दर टाइप हो रहा है ठीक है। टाइप वन टाइप ए वन ए टू हीपा फिल्टर एग्जॉस्ट एयर में भी रिसर्कुलेटेड इन द रूम और रिलीज आउटसाइड ठीक है। तो जो क्लास ए वन ए टू है उसमें भी हीपा फिल्टर लगे होते हैं ठीक है, और इसकी जो एयर होती है वो रिसर्कुलेट होकर या तो रूम में जाएगी और या आउटसाइड द रूम थ्रू अ टिंबल कनेक्शन बाहर जाएगी ठीक है। और इसे और क्या होता है, 70% ऑफ एयर इज रिसर्कुलेटेड, 30% ऑफ एयर फिल्टर एग्जॉस्ट
एंड इनटू द रूम, ठीक है। तो इसमें इसकी जो एयर होगी ठीक है, ये 70% एयर ही सर्कुलेट होगी और 30% एयर जो है वो एग्जॉस्ट होगी और बाहर जाएगी, ठीक है। About 95% of all biosafety cabinets installed are type 2 cabinets, ठीक है। This is very important to know that about 95% of biosafety cabinets are type 2, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोस्ट कॉमनली कौन सी biosafety cabinet यूज होती है, ठीक है। तो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप 2 है। तो Type dual offers more protection to the person with a wafer source at the width of the work area, ठीक है। तो type 2 की क्या खासियत है, इस ये प्रॉपर्टी है कि ये पर्सनल प्रोटेक्शन में कुछ ज्यादा ही सीरियस है। इसका देखें, ये जो रेड लाइन है ठीक है, ये आउटसाइड एनवायरनमेंट हवा जा रही है, ठीक है। और नीचे की तरफ से होके फिर यहाँ पर सर्कुलेशन के सर्कुलेशन में आके ठीक है, फिर से सर्कुलेट होके फिर ऊपर जाती है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई रास्ता नहीं है ठीक है, सर्कुलेशन के अंदर साउंड लग रहे हैं, ठीक है। कोई भी फैन इसको बाहर की तरफ जाने की डायरेक्शन नहीं दे रही है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी हवा बाहर नहीं आएगी ठीक है, ग्लास के नीचे या किसी भी और तरह का, ठीक है। सिर्फ बाहर से हवा नीचे जीने वाली कैबिनेट और इसको सर्कुलेट करके इसको फिल्टर करके आउटसाइड एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि इससे हवा बाहर नहीं आ रही, तो इस वजह से जो पर्सनल कैबिनेट के साथ काम करेगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। अच्छा अब आगे पढ़ते हैं, इट एग्जॉस्ट 60% ऑफ सर्कुलेटेड एयर थ्रू हीपा एग्जॉस्ट फिल्टर एंड 40% ऑफ एयर इज रीसर्कुलेटेड टू वर्क एरिया थ्रू हीपा सप्लाई फिल्टर। अब इसमें देख लें, इससे जो 60% हवा सर्कुलेट होके जो एग्जॉस्ट हो रही है ठीक है, वो भी फिल्टर होती है, ठीक है। और जो हवा सर्कुलेट होके कैबिनेट के अंदर वापस रिसर्कुलेट होती है, वो भी हीपा फिल्टर से फिल्टर होके सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो इट मीन के जो हवा बाहर जा रही है वो भी फिल्टर होती है और जो रिसर्कुलेट होती है वो भी फिल्टर होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब वो कि जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसके लिए जो रिसर्कुलेटेड एयर आएगी वो भी फिल्टर होगी और इस दूर से वो भी प्रोटेक्ट होगी कंटामिनेशन से, ठीक है। और ये इसमें एक खास बात ये है कि इसकी जो हवा इसमें एंट्रेंस हवा की एंट्रेंस होगी ठीक है, वो डायरेक्ट हमारी वर्क स्पेस वर्क एरिया तक नहीं होती, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आप लोग देख लें डायग्राम में, तो जो रेडिश लाइन होती है वो सीधे जाके नीचे की तरफ मुड़ती है, ठीक है। और फिर नीचे जाके ही ऊपर आती है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारे डायरेक्ट वर्क स्पेस में नहीं जाती हवा, और हमारे वर्क स्पेस में हमारी प्रोडक्ट होती है, हमारी जो डिजायर्ड केमिकल डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म वो पड़ी होती है, ठीक है। और इस तरह जो बाहर से हवा आती है उसकी कंटामिनेशन से हमारी जो आइटम होती है, जो एजेंट होती है, जो प्लांट होती है, वो बचती है और इस तरह हवा पहले नीचे जाती है, ठीक है। तो ये इसमें खास बात है कि इसी तरह ये हमारे प्रोडक्ट को भी प्रोटेक्ट करती है। अब टाइप 2 भी इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इट रिसर्कुलेट 0% ऑफ एयर, ठीक है। ये क्या करती है, इसमें 0% एयर रिसर्कुलेट होती है, 100% एग्जॉस्ट फ्रॉम द कैबिनेट, ठीक है। इसमें रिसर्कुलेशन बिल्कुल होती ही नहीं और इसमें जो एयर आएगी वो सीधा बाहर जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एयर होगी उससे हमारी प्रोडक्ट भी प्रोटेक्ट होगी क्योंकि वो रिसर्कुलेट नहीं हो रही, ठीक है। अगर रिसर्कुलेट भी हो रही तो फिर रिसर्कुलेशन में फिल्टर होनी चाहिए तभी हमारी प्रोडक्ट सेफ होगी। अगर रिसर्कुलेट नहीं हो रही बिल्कुल भी तो इट मीन के हमारी प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी आप लोग देख लेते हैं ये खास बात है कि हवा आ रही है ठीक है और नीचे की तरफ मुड़ रही है, कुछ हाफ नीचे की तरफ मुड़ रही है और हाफ ऊपर की तरफ जा रही है। सॉरी हाफ नहीं, टोटल जो एयर होती है वो नीचे की तरफ मुड़ रही है, ठीक है। और नीचे की तरफ जाके वहाँ आगे फिल्टर लगा होता है, ठीक है। और वहाँ पर फिल्टर होके
ये वापस आती है और इसी तरह को अपनी जो हमारी वर्क स्पेस है उससे गुजर के ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इट वर्ड भी यूज इन टर्म्स कॉल द लेग एंड सिमिलर लेग हियर हियर क्लीन एयर इज अ प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये मोस्टली टर्म्स कॉल द लेग में यूज होती है चीज़ें, और जहाँ पर हमें क्लीन एयर रिक्वायर्ड होती है चीज़ें और रिसर्कुलेट क्लीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्लास टू टेबलेट के B2 टेबलेट हमें चाहिए होता है। ठीक है, वहाँ पर अब पढ़ते हैं क्लास बी बायोसेफ्टी टेबलेट्स। ओके, यूज टू वर्क विद माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट साइन टू बायोसेफ्टी लेवल 4। ठीक है, तो इसमें कौन से एजेंट्स हम डील कर सकते हैं? इस तरह मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिफरेंट लेवल्स होती है। ठीक है, इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जिस तरह बायोसेफ्टी लेवल 1, लेबोरेटरी बायोसेफ्टी लेवल 2, बायोसेफ्टी लेवल 3 और बायोसेफ्टी लेवल 4। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कैटेगराइजेशन हुई है चीज़ें कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म डील करने हैं, और इस हिसाब से फिर इसमें प्रोटेक्शन भी दिया जाता है इन लेग में। तो बायोसेफ्टी लेवल 4 है, इसमें हम हाईली इन्फेक्शियस और हाईली डेंजरस ऑर्गेनिज्म डील करते हैं। तो क्लास 3 बायोसेफ्टी कैबिनेट हम कौन से लेग यूज करेंगे? क्लास 4 जो बायोसेफ्टी लेवल 4 लेग होगी, हम उसमें बायोसेफ्टी कैबिनेट भी यूज करेंगे, क्योंकि इसमें वहाँ पर मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनिज्म डील होंगे, तो इस वजह से यूज वहाँ पर ज़्यादा होगी। क्वाइट मैक्सिमम प्रोटेक्शन टू पर्सनल एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, इसकी ज़्यादा प्रोटेक्शन पर्सनल को होगी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, इसके एप्लीकेशन क्या होंगे? वर्किंग विद इमर्जिंग डिजीज। ठीक है, मर्जिंग डिजीज के साथ अगर हम काम कर रहे हैं ठीक है, तो हमें क्लास थ्री कैबिनेट चाहिए होगी। ठीक है, इस तरह आजकल कोविड है, कोविड में हमें क्लास टू यूज करनी चाहिए, क्लास थ्री यूज करनी चाहिए। ठीक है, इबोला वायरस है, जीका वायरस है, ठीक है, और इंफ्लुएंजा वायरस है, तो ऐसे डिजीज के साथ हमें क्लास थ्री कैबिनेट यूज करनी है। वर्किंग विद डिजीज दैट आर नियर टू एडिकेशन, ऐसी डिजीज जो कि एडिकेशन से बिल्कुल खत्म होने के लिए करीब हो। ठीक है, रीडिंग एंड डाइल्यूटिंग केमिकल्स कार्सिनोजन। ठीक है, ऐसे केमिकल जिसमें कार्सिनोजन होती है उसको भी हमने डील करनी चाहिए। वर्किंग इज हाईली इन्फेक्शियस और हैजर्डियस एक्सपेरिमेंटल मटीरियल, ऐसे अगर हाईली इन्फेक्शियस और हाईली हैजर्डियस एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं ठीक है, जैसे डेंजरस हो एनवायरमेंट के लिए और हमारे लिए भी, तो उसको हमने क्लास थ्री कैबिनेट में परफॉर्म करना है। वर्किंग विद लो टू मॉडरेट रिस्क एजेंट, अगर हम मॉडरेट रिस्क एजेंट के साथ काम कर रहे हैं ठीक है, इस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इस पर हम डिफरेंट प्रोसेस कर रहे हैं, तो इस लिहाजा कंडीशन में भी हमने क्लास थ्री का रिसर्च कैबिनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कोई बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज करते हैं चीज़ों, तो उसको उसके साथ सेफ यूज करने में हमें क्या करना होता है चीज़ें, ताकि हम उसको सेफली यूज कर सकें। तो स्टार्टअप में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ग्लव्स पहनने चीज़ें, गियर ग्लव्स फॉर हैंड प्रोटेक्शन, हाथों की प्रोटेक्शन के लिए अपने सबसे पहले ग्लव्स पहनने, और लोड द कैबिनेट विद ऑल आइटम्स रिक्वायर्ड विच इज पार्ट ऑफ योर एंड सर्फेस डिकंटामिनेट। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, डिकंटामिनेटेड सर्फेस पे आपने अपने सारे जो रिक्वायर्ड मटीरियल जो रिक्वायर्ड आइटम और चीज़ें आपने वो सारे लोड करने हैं। चीज़ें सर्फेस डिकंटामिनेट द वर्क सर्फेस, ठीक है, आपने जो अब सर्फेस को पहले से डिकंटामिनेट करना होता है चीज़ें, और साइड वॉल्स एंड इनर बैक वॉल्स, और उसके जो साइड वॉल्स हैं और इनर बैक वॉल्स हैं, जो अंदर की तरफ पीछे वाला वॉल है, उसको भी आपने डिकंटामिनेट करना होता है चीज़ें। लव द वर्क जोन एयर फॉर टू फॉर अ फ्यू मिनट बिफोर कमेंसिंग वर्क, और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा
ग्लास को ओपन करके उसको थोड़ा हवा के लिए छोड़ने देते हैं ताकि इसकी जो अंदर की जो हवा है वो कंप्लीट हो और इसमें कोई डिफिशेंट केयर ना हो। डू नॉट ओवर क्राउड दिस वर्क जोन, और जो आपकी वर्किंग एरिया है ठीक है, आपने उसको उसमें इतनी ज़्यादा सामान नहीं रखी है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो जाए ठीक है, और आप जब फिर काम करें तो आपको तकलीफ हो, तो इसीलिए और आप कंफ्यूजन में रहें तो इस वजह से आपने ओवर क्राउड नहीं करना होता है चीज़ें, और अपनी ज़रूरी ज़रूरी सामान को सिर्फ रख के आपने काम करना होता है। क्लोज द ड्रेन वेल्व बिफोर ऑपरेशन, ठीक है, जो ड्रेन वेल्व है उसको आपने काम करने से पहले क्लोज करना होता है ठीक है, वो मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछले लेक्चर में कहाँ पर होता है चीज़ें, आपने उसको क्लोज करना होता है और अपनी पेमेंट शुरू करनी होती है। फिर आपने क्या करना है ऑपरेट करने के लिए, आपने क्या करना है पहले, डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्रंट और बैक एयर ग्रिल्स, ठीक है, इसमें ग्रिल्स लगे होते हैं चीज़ें जहाँ से एयर पे की तरफ जाती है चीज़ें को, या साइड में अगर हवा बाहर की तरफ निकल रही है नीचे से चीज़ें, तो वहाँ पर ग्रिल्स लगे होते हैं चीज़ें, तो आपने उन ग्रिल्स के ऊपर कोई सामान नहीं रखने होते हैं चीज़ें, तन्नाव के मतलब आप उसको ब्लॉक करें और इस तरह जो कैबिनेट के अंदर जो हवा होगी वो भी इस तरह डिस्टर्ब होगी, उसमें भी डिस्टर्बेंस होगी, और इसके अलावा तो जो कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इस तरह, क्योंकि हवा डिस्टर्ब हो जाती है और बाहर से जो हवा आएगी उससे भी फिर डिस्टर्बेंस होगी ठीक है। वर्क एज फॉर इन कैबिनेट एज पॉसिबल, तो आपने कोशिश करनी होती है कि आपके हाथ जितने भी अंदर पहुंच रहे हो ठीक है कैबिनेट के अंदर, तो आपने इतनी इनसाइड भी कैबिनेट काम करनी होती है ठीक है। मिनिमाइज आर्म मूवमेंट्स, ठीक है, कोशिश करें कि हाथों को ज़्यादा ना हिलाएं, जितनी ज़रूरत हो ठीक है बस ज़रूरत के मुताबिक अपने हाथों से काम लें और उतनी ही मूवमेंट करें। मेक स्लो मूवमेंट्स टू अवॉइड डिस्टर्बिंग कैबिनेट एयर फ्लो, तो आपने क्या करना होता है, आपने जब काम करना होता है तो आपने तेज़ी से हाथों को नहीं हिलाना होता है ठीक है, आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने अपने हाथों को हिलाना होता है और जो कैबिनेट के अंदर एयर फ्लो है सर्कुलेशन को डिस्टर्ब नहीं करना होता है ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करेंगे तो इसी तरह फिर आप जो हवा है सर्कुलेट करती है ठीक है अपने हिसाब से फिल्टर होती है और वापस आपके फिल्टर होते ये सारी साइकिल्स डिस्टर्ब होगी ठीक है। व्हेन रिमूविंग आर्म्स फ्रॉम कैबिनेट बी श्योर टू सर्फेस डिकंटैमिनेट, जब आप काम खत्म करके हाथ कैबिनेट से बाहर निकाल रहे हैं ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, आपने सर्फेस को पहले डिकंटैमिनेट करना होता है जो वर्किंग एरिया के अंदर सर्फेस है ठीक है, एंड मूव आर्म्स आउटसाइड स्लोली ऑफ द कैबिनेट, और आहिस्ता से अपने हाथों को फिर बाहर निकालें। मिनिमाइज एक्सटर्नल एयर फ्लो डिस्टर्बेंस, और बाहर अगर कोई इस तरह की एयर फ्लो डिस्टर्बेंस कोई चीज़ कास्ट कर रही है ठीक है, तो आपने उसको भी अवॉइड करना है, से फॉर एग्जांपल इसके करीब आपने फैन नहीं लगाना होता है ठीक है कैबिनेट के करीब, या कैबिनेट को दरवाजे के करीब नहीं आपने रखना होता है क्योंकि दरवाज़ा कभी खुलेगा कभी बंद होगा ठीक है, बाहर से हवा आएगी और वो हवा कैबिनेट की एयर फ्लो को डिस्टर्ब करेगी, और जिस तरह अगर फैन लगा हो करीब में तो फैन क्या करेगी वो भी कैबिनेट की हवा को डिस्टर्ब करेगी, और आपने इसको अगर एयर कंडीशन लग में लगा हुआ है ठीक है उसको बिल्कुल फ्रंट में नहीं रखना होता है ठीक है, क्योंकि अगर उसकी जो डायरेक्ट हवा आएगी और कैबिनेट में जाएगी तो वो भी एयर फ्लो को डिस्टर्ब करेगी ठीक है, और आपने ये भी कोशिश करनी होती है कि कैबिनेट को एक ही जगह पर रखें, ऐसे कोने में रखें जहाँ पर लोगों का भी आना जाना कम हो ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह नहीं रखना होता है हमने कैबिनेट जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा हो, क्योंकि अगर एक बंदा अभी किसी को अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती है अब वो भाग रहा है चीज़ें और कैबिनेट को क्रॉस कर रहा है, तो इस तरह कैबिनेट की जो अंदर की सर्कुलेशन होगी वो भी इस तरह डिस्टर्ब होगी।
या किसी रूटीन में लोगों ने आना जाना है ठीक है और तेजी से आते जाते हैं 7 मिनट के करीब, तो इसी तरह फिर एयर फ्लो में डिस्टर्बेंस होगी। तो ये सारी बायोसेफ्टी में आपके चीज़ें बायोसेफ्टी में अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इंजीनियरिंग बायोसेफ्टी में जो आप लोग पढ़ेंगे तो तभी आप लोगों को समझ आ जाएगी कि बायोसेफ्टी सॉरी बायोसेफ्टी कैबिनेट कहाँ पर रखना होता है ठीक है, उसको किस तरह लोकेट करना होता है। तो ये सारे थोड़े डिटेल में आते हैं तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अच्छा फिर क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम क्लीन की जरूरत है ठीक है। आपने जो वर्क की डायरेक्शन होती है ठीक है वो क्लीन की जरूरत ही रखनी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जो सामान आपने रखे होते हैं ठीक है वो आपने ऐसे पोजीशन में रखने होते हैं कि आप आपका हाथ एक ही डायरेक्शन में मूव करें ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप राइट हैंड से शुरू करते हैं ठीक है, राइट हैंड से आपने रखा है पाइपेट्स अपने पेट्स रखे हैं ठीक है, और डिस्टिल वाटर वगैरह कुछ चाहिए हो ठीक है वो भी रखे हैं, और इसके बाद आपने वो वाली आइटम रखी है वो वाली जंक या वो वाली केमिकल या जो भी है ठीक है वो वाली आपने रखी है जो सबसे पहले आपने पिक करनी है ठीक है, और इसको किसी चीज में डालना है तो वो आपने उसके साथ रखा हुआ है ठीक है, और फिर उसके साथ में आपने डस्टबिन रखा हुआ है ठीक है या बास्केट रखा हुआ है छोटा सा। तो इस तरह आप पहले पिक लेंगे फिर आप अपने केमिकल या अपना सैंपल लेंगे और इसको फ्रीज में डालेंगे और फिर फाइनली इसी डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो डस्टबिन आएगा और फिर को आप डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे। तो ये आपका यूनि डायरेक्शनल वर्क फ्लो हो गया ठीक है। आप एक ही डायरेक्शन में अपने वर्क फ्लो को मेंटेन रखेंगे ठीक है, क्लीन टू डर्टी। तो इसी तरह आपको आपकी जो वर्क फ्लो है वो मेंटेन रहेगी और कंटेमिनेशन के चांसेस भी इस तरह कम होंगे ठीक है, क्योंकि आप अगर एक ही डायरेक्शन को मेंटेन नहीं रखेंगे तो आप अपनी फॉर एग्जांपल जो आपका पाइप है ठीक है उसमें आपने टिप्स डाले हुए ठीक है, और आप इसको कभी इधर घुमा रहे हैं कभी दूसरी तरफ घुमा रहे हैं ठीक है, तो इस तरह क्या होगा इसके चांस होते हैं कि आपकी जो सैंपल है वो कंटामिनेट हो जाए या आपके टिप्स कंटामिनेट हो जाए और आपके टिप से कोई बबल निकले या कोई खाप पीछे की तरफ सैंपल में जा पड़े ठीक है, तो बहुत से चांसेस हो सकते हैं। ये चाहिए कि क्लीन से डेट से अपनी वर्क को मेंटेन रखें। बायोहैजर्ड कलेक्शन बैग शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द कैबिनेट इंस्टेड ऑफ आउटसाइड ठीक है। आपने बायोहैजर्ड कलेक्शन बैग अंदर रखने होते हैं पीछे बायोसेफ्टी कैबिनेट को, ना कि अपने बाहर रखने होते हैं ठीक है, और आपने जो आपका वेस्ट होता है ठीक है जो जमा होता है आप उसको उसी बैग में रखते हैं और फिर आखिर में उसको निकालते हैं ठीक है जब भर जाए। यूज एब्सॉर्बेंट पैड्स ऑन दी वर्क सरफेस वेयर एप्रोप्रिएट टू मिनिमाइज स्प्लिटर एंड एरोसोल जनरेशन इन केस ऑफ स्पिलेज। जब आप काम शुरू कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने वर्किंग एरिया में एक एब्सॉर्बेंट पैड रखना होता है ठीक है। एब्सॉर्बेंट पैड क्या करता है, जब आपसे कोई केमिकल या कोई चीज मतलब या सैंपल गिर जाए ठीक है वर्किंग स्पेस में, तो वही एब्सॉर्बेंट पैड इसको एब्सॉर्ब करेगा ठीक है, और उसको मतलब एरोसोल या ड्रॉपलेट्स को जनरेट करने नहीं देगा ठीक है। तो इसलिए ये भी एक जरूरी होती है आपने कैबिनेट में रखने के लिए। अच्छा प्लेस एरोसोल जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट एज फार इन टू द इंटीरियर ऑफ द कैबिनेट एज पॉसिबल ठीक है। तो अगर ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि एरोसोल जनरेट करती है जिस तरह सेंट्रीफ्यूज है, तो इसको आपने कोशिश करनी कि जितना हो सके अंदर कैबिनेट के अंदर ही रखें जितना पॉसिबल हो अंदर की तरफ हो ठीक है। क्लीन मटीरियल शुड बी मटीरियल शुड बी एट लीस्ट 150 मिलीमीटर अवे फ्रॉम एरोसोल जनरेटिंग ऑब्जेक्ट ठीक है। तो आपकी जो क्लीन मटीरियल होंगे ठीक है जिस तरह आपके टिप्स हो गए येलो टिप्स या ब्लू टिप्स या पाइप टिप्स हो गए ठीक है, या कोई ट्यूब हो गए जो कि स्टेराइल ट्यूब है ठीक है, तो उसको आपने एरोसोल जो मटीरियल जो इंस्ट्रूमेंट एरोसोल जनरेट कर रहे हैं ठीक है, आपने 150 मीटर अवेयर रखना होता है ठीक है।
उसको 115 मिलीमीटर फासले पर रखना होता है। मिनिमाइज द चांस ऑफ क्रॉस कंटेमिनेशन, ठीक है, और इस तरह क्रॉस कंटेमिनेशन की चांस है कम हो जाते हैं। ठीक है, डू नॉट यूज अ ग्लास, सॉरी डू नॉट यूज अ गेज लेंस व्हेनेवर पॉसिबल एज इट इंटरफेयर विद देयर फ्लो। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि गेज लेंस यूज ना करें करने टाइम में, ओके, इट इंटरफेयर विद एयर फ्लो। पुट एयर टू गुड लेंस जनरेटिंग इक्विपमेंट सच एज सेंट्रीफ्यूज ब्लेंडर और सेंट्रीफ्यूज इन द बैक बोन्स ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो हमने जो है ना सेंट्रीफ्यूज या ब्लेंडर या सेंट्रीफ्यूज, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होती है, ये क्या करती है, ये एक मूवमेंट जनरेट करती है पीछे कैबिनेट के अंदर। ठीक है, तो इसको हमने कोशिश करना होता है कि हमने बैक ऑफ दी वन कर्व में रखना होता है पीछे कैबिनेट के अंदर। तो ये कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर की चीज है जो कि हमने अपनानी चाहिए तो चीज़ें, और इस तरह अगर हम काम करेंगे तो हम सेफ रहेंगे चीज़ें और हमारी जो वर्क होगी वो भी क्वालिटी वर्क होगी। हमने क्या क्या कॉशन करवानी चाहिए चीज़ें, क्या क्या हम याद करेंगे, क्लीन टू क्लीन द अल्ट्रावायलेट लेंस इन द बायोसेफ्टी। अगर हम अल्ट्रावायलेट लेंस को साफ नहीं करेंगे चीज़ें काम के बाद और इसको पीरियडिकली चेक नहीं करेंगे, चीज़ें सफाई नहीं करेंगे, तो क्या नुकसान होगी, इससे अल्ट्रावायलेट लेंस होगी इसकी इफेक्टिवनेस कम होगी। ठीक है, हम ये समझ रहे होंगे कि हमारी हमने अल्ट्रावायलेट लाइट काम किया है चीज़ें और इसने हमारी जो बायोसेफ्टी क्लाइमेट है उसको डिकन्टामिनेट किया होगा, लेकिन इसकी इफेक्टिव कम हो गई होगी। ठीक है, इफेक्टिव कम होने से ये फिर डिकन्टामिनेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम यही सोचेंगे कि डिकन्टामिनेट बायोसेफ्टी क्लाइमेट है लेकिन वो अपने डिकन्टामिनेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अल्ट्रावायलेट लैम्प को पीरियडिकली साफ करनी चाहिए। ठीक है, चेक ग्रिल्स एंड डिफ्यूजर ग्रिल पीरियडिकली फॉर स्पिल्ड और स्प्लैशिंग न्यूट्रिएंट्स व्हिच मे कॉज कंटामिनेशन ऑफ द वर्क सरफेस। हमें पीरियडिकली चेक करना होता है चीजें जो ग्रिल है ठीक है और डिफ्यूजर का, इसको हमने चेक करना होता है पीरियडिकली के में कोई स्प्लैशिंग तो नहीं है ठीक है, कोई स्पिल्ड तो नहीं है, इसमें कोई चीज तो नहीं फंसा हुआ है, ब्लॉक तो नहीं है। ठीक है, डू नॉट यूज हैलोजनेट मटीरियल्स सच एज ब्लीच, दीज मटीरियल आर नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज ऑन स्टेनलेस स्टील सरफेस ऑफ द बायोसेफ्टी कैबिनेट। ठीक है, तो ऐसे मटीरियल जिस तरह ब्लीच हैं ठीक है, यहाँ पर इजाफा किया हुआ है, तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि हम कैबिनेट में यूज करें या कोई और स्टेनलेस स्टील में या वाटर बाथ में या इंक्यूबेटर के अंदर ठीक है या किसी और इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिकमेंडेड नहीं तो हम यूज करें। ठीक है, एक्सरसाइज केयर टू इंश्योर दैट नो आइटम्स आर प्लेस्ड ओवर द फ्रंट इन कैबिनेट्स। ठीक है, और आपने ये बार बार आपने एहतियात करनी होती है चीज़ें कि आपका जो फ्रंट ग्रिल है जैसे ही आपका ग्लास होता है ठीक है, ग्लास के नीचे ही एक ग्रिल होता है, आपने इस ग्रिल का ख्याल रखना होता है तो इस ग्रिल को कहीं आपने तो ब्लॉक नहीं किया हुआ है। ठीक है, इस पर कोई चीज़ कोई सामान तो आपने नहीं रखी है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता दिया, तो ये आपने एहतियात करना होता है। अवॉइड पासिंग कंटामिनेटेड मटीरियल ओवर यूनी ऑक्सीडेटेड कल्चर और क्लीन ग्लासवेयर टू अवॉइड कंटामिनेशन। ठीक है, तो आपने अवॉइड करना होता है चीज़ें कोई ग्लासवेयर हो ठीक है या कोई दूसरे आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो या कोई और सामान हो ठीक है, इसको आपने एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करना होता है चीज़ें, कभी के ऊपर से नहीं गुजारना होता है ताकि कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कैबिनेट यूज करने का पर्पज यही हुई है कि आपके पास आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ठीक है, इसमें कंटामिनेशन ना आए,
अगर आप ये एहतियात साथ साथ नहीं करेंगे तो आपके पास कंटामिनेशन आएगी और इसका करने का कोई फायदा ही नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास कंटामिनेशन आ रही है तो कंटामिनेशन तो बाइसेप्टिकोगोन के अलावा भी होती है, तो फिर फायदा ही क्या क्या कंटामिनेशन कर रहे हैं, तो इसलिए ये सारे स्टेप्स आपने करने होते हैं साथ साथ। Do not use cabinet as a representative for excessive equipment during periods of non-operation. जब cabinet आपके इस्तेमाल में ना हो चुके तो फिर आपने इसको एज अ स्टोर नहीं यूज करना होता है, आपने इसमें ऐसे सामान ऐसे एक्स्ट्रा मटीरियल नहीं रखने होते हैं। ठीक है, जिस तरह जो आप स्टोर में रखने होते हैं, ठीक है, और आप इसमें वक्त काटें और इसमें रखें, तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना होता है। ठीक है, और कैबिनेट को आपने सिर्फ उसी काम के लिए यूज़ करना होता है जिस काम के लिए बना होता है, और आपने सिर्फ उसी टाइम यूज़ करना होता है जब आपने को ऑन किया हो और ऑपरेट करनी हो। ठीक है, एंड दिस वाज ऑल अबाउट बायोसेफ्टी कैबिनेट एंड इट्स सेफ यूज एंड प्रिकॉशंस।